दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए 3 T20 मुकाबलों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को पहले मुकाबले में रोमांचक जीत दिलाते हुए 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, वहीं कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए टीम को जीत दिलाई। और इनकी बल्लेबाजी से प्रभावित होकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बयान दिया है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आखिर क्या कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कौन है बेहतर कप्तान? हमें नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को इस तरह से धोया जैसे मानो कोई धोबी कपड़े धो रहा हो। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार वापसी करते हुए मैच को आखिरी मोड़ तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। दोस्तों, भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद कप्तान रोहित ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरुआत से ही भारतीय टीम के पक्ष में जाता हुआ दिखा, लेकिन कुछ देर बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपनी पारी को संभालते हुए शानदार शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत उन्होंने 20 ओवर में 164 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही विस्फोटक रही। ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन केएल राहुल ने जल्दी आउट हो गए और रोहित शर्मा ने टीम को मजबूती देते हुए 48 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं जब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंचा तो जहां भारतीय टीम को 10 रनों की आवश्यकता थी, तब ऋषभ पंत ने खतरनाक बल्लेबाजी दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की इस फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि रोहित शर्मा T20 के नए कप्तान बने हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनाया है, उसी तरह से वो भारतीय टीम को T20 विश्व कप में जिताने में कामयाब रहेंगे। और जिस तरह की पारी आज उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है, वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी टीम को बेहतर स्थिति में रखकर मुकाबला जीतना जाए। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने ठीक वैसा ही प्रदर्शन आज करके दिखाया और उन्हें उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखाते रहेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत की पारी भले ही आज मुकाबले में छोटी रही हो, लेकिन जिस वक्त टीम को उनकी जरूरत थी, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया है और अंतिम ओवर के प्रेशर को कंट्रोल करते हुए एक शानदार चौका लगाकर टीम को पहले मुकाबले में बहुत ही बढ़िया जीत दिलाई है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत को नया फिनिशर बताते हुए कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में वो काबिलियत है कि वो टीम को बड़े बड़े मुकाबलों में एक फिनिशर के तौर पर प्रदर्शन करके बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा सकते हैं और कोई भी मुकाबला आसानी से जीत सके, इसलिए भारतीय टीम को अब नए फिनिशर की तलाश की चिंता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान के बाद ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की काफी सराहना हो रही है और वहीं रोहित शर्मा द्वारा खेली गई पारी को भी भारतीय फैंस द्वारा तारीफ मिल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए अपने अगले 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।